किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। शाम, सामने अथाह समंदर, धीरे धीरे डूबता सूरज और चारों तरफ फैली सूर्य की सुनहरी किरणें। तस्वीरें खूबसूरत राज्य गोवा की हैं। वही गोवा जिसका नाम सुनते ही एक चकाचौंध भरे माहौल की तस्वीरें सामने उभर कर आ जाती हैं। रोमांच का एहसास कर बोरियत फुर हो जाती है। जो रह जाती है वो है शांति और सुकून, चमक दमक। यही वजह है कि ज़्यादातर सैलानी यहाँ की नाइट लाइफ, बीच पार्टी और यहाँ की जिंदा दिली में खो जाते हैं। लेकिन आज एक बार फिर हम आपको इस चकाचौंध से दूर गोवा की गहराइयों में ले जाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि गोवा एक पार्टी हब से कहीं ज्यादा अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। एक तरफ जहाँ रात के अंधेरे में होने वाली पार्टी की चमचमाती लाइट्स और डांस फ्लोर है, वहीं दूसरी तरफ शहरों की हलचल से दूर बेहद शांत माहौल है। खेती है, किसानी है, कला और संस्कृति का अनूठा संगम है। डीडी किसान की किसान यात्रा आज नॉर्थ गोवा के कुछ और गांव के सफर पर है। नमस्कार, आज की किसान यात्रा गोवा पहुंच चुकी है। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हम पराश्टे गांव पहुंचेंगे, गोरे गांव पहुंचेंगे और इसी के साथ आपको बता दें तड़ावली गांव में भी पहुंचने वाला है। ये नॉर्थ गोवा के अलग अलग गांव हैं और इन गांव में हम बात करेंगे कि किस तरह से विकास जो है धरातल पर पहुँच रहा है। देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है सुपारी होती है, नारियल होता है, काजू होता है, इसके साथ आपको बता दें मसाले भी यहीं पर होते हैं। ऐसे में ये देखना है कि यहाँ सबसे ज्यादा जो कहते हैं कि प्राकृतिक खेती, जो बदलाव वाली खेती है, वो कितनी हो रही है। अब देखना ये होगा कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ हमारा अन्नदाता जो है किस तरह से आगे बढ़ा। चलिए, आज की किसान यात्रा का आप भी सफर। आधुनिकता के रंग में रंगा गोवा के समुद्री तटों को छोड़ते हुए हमारी किसान यात्रा की टीम नॉर्थ गोवा के कुछ गाँव की ओर चल पड़ी है। साफ सुथरी चमचमाती सड़क पर फर्राटा भरती हमारी गाड़ी, रास्ते में जगह जगह खूबसूरत बने मकान, जहां नजर दौड़ाओ हरियाली ही हरियाली। एक एक तस्वीर बेहद खूबसूरत, लाजवाब है। चमक दमक से दूर गोवा के इन गाँवों को देखकर यहां की शांति और सुकून का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। रास्ते में पड़ने वाले एक के बाद एक गाँव को देखकर विकास कार्यों और संपन्नता को अच्छे से आंका जा सकता है। हर जगह साफ सफाई का खास ध्यान दिया जाता है। पक्के खूबसूरत मकान, ज्यादातर घरों के सामने खड़ी गाड़ियाँ, ताज़ी सब्जियाँ बेचती इस महिला किसान के चेहरे पर मुस्कान बताने के लिए काफी है कि गोवा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर है। गोवा की राजधानी पणजी से करीब 37 किलोमीटर दूर हम परनेल तहसील पहुँच चुके हैं। यहाँ तहसील को लोग तालुका कहते हैं। परनेल तालुका से 10 से 12 किलोमीटर और चलने पर भैटवाड़ा कोरगांव आ गए हैं और यहीं पर है जयदत्त एग्रो फार्म, जिसके मालिक की चर्चा आज हर तरफ हो रही है। या ये कहें कि आज वो देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं तो कहना गलत नहीं होगा। नाम है उदय प्रभु देसाई और खेतों में काम कर रही ये है उनकी बेटी उमा प्रभु देसाई, जो पिता के साथ खेती बाड़ी में पूरा हाथ बटाती है। प्रगतिशील किसान उदय प्रभु देसाई पिछले एक दशक में अपनी खेती बाड़ी को ऐसे कृषि उद्यम के रूप में खड़ा किया है जिससे वे लगातार आर्थिक तौर पर काफी मजबूत हो रहे हैं। लागत कम और मुनाफा ज्यादा कमाकर उन्होंने एक मिसाल पेश की है। उनके 25 एकड़ के इस फार्म में तरह तरह के फल सब्जियों के अलावा धान, गन्ना, नारियल, सुपारी, काजू जैसी खेती होती है, लेकिन उदय अब इसके साथ मिलेट्स की खेती को बड़ा रूप देने का विचार कर रहे हैं। नमस्कार राधिका जी, आप जो हमारे ये फार्म में पहुंचे हैं, ये गांव है कोरगांव, ये पेड़ने इलाके में आता है गोवा के, और पेड़ने ये तालुका रहता है, तहसील पेड़ने का। और ये जो गांव है आप जो आए हैं वो कोरगांव करके है। ये कोरगांव में हमारा ये जो फार्म है जयदत्त एग्रो फार्म करके प्रसिद्ध है। ये जो लगभग 25 एकड़ का ज़मीन मेरा है, जिस ज़मीन में अलग अलग तरीके का फार्मिंग होता है, जिसमें धान का खेती होता है, शुगर केन का खेती होता है, उसी के साथ नारियल का खेती होता है, सुपारी का खेती होता है, काजू का भी खेती होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड भी लगाए जाते हैं, और जिस फूड जो लगाए जाते हैं वो फूड ऐसे है कि काजू में है उसका प्रोसेसिंग हम करते हैं, और उसके साथ में हम आपने देखे होंगे चिक्कू का खेती है, मैश मेलन का खेती है, जो अलग अलग हॉर्टिकल्चर के फ्रूट भी है, जो काकड़ी होती है, दोड़गी, चिड़की वगैरह जो सब्जियां होती है उसकी भी खेती यहां पर की जाती है। उसके अलावा अलग किसानों के लिए सीडलिंग्स बना के हम देते हैं, जैसे कि फ्लावर की खेती में हम मैरीगोल्ड की खेती करते हैं, और उसके साथ में हम मैरीगोल्ड की सीडलिंग्स बना के देते हैं। बड़े पैमाने पर हम चिलीज़ की खेती करते हैं और चिलीज़ की सीडलिंग्स भी बना के देते हैं। अभिनव कृषि पद्धतियों के लिए उदय प्रभु देसाई को जाना जाता है। समय समय पर खेती किसानी में नवाचार के जरिए कमाल करने वाले देसाई को राज्य पुरस्कार से नवाजा भी जा चुका है। हमारे साथ बातचीत में सफल किसान उदय प्रभु देसाई ने बताया कि वे इतनी मेहनत से फसल को तैयार करते हैं। वे डायरेक्ट बाजार में अपनी उपज बेचने में विश्वास नहीं रखते। ज्यादा पैसे बनाने के लिए सबसे पहले वो अपनी उपज को प्रोसेस कर बढ़िया पैकेजिंग करते हैं, बाद में उचित वैल्यू ऐड कर मार्केट में खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। इससे उनका मुनाफा बढ़ जाता है। और इसी पिछले साल जब प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया था कि जो हमारा देश जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट करके, बात ये है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया, लेकिन मिलेट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तो हमारे भारत देश में होता है। खास बात ये है कि 25 एकड़ में खड़ी इन फसलों में रत्ती भर रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उदय प्रभु देसाई कहते हैं कि मौजूदा दौर में रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल होने से खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमी आती है। किसानों को इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। वे अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट यूनिट की सहायता से अपने खेतों के लिए खुद ही जैविक खाद तैयार करते हैं, जिससे उनकी उपज में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। आज उनके जयदत्ता एग्रो फार्म में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियों के साथ साथ पोल्ट्री यूनिट, जैविक खाद यूनिट मौजूद है। अब उन्होंने जैविक गुड़ यूनिट भी लगा लिया है। भारत देश में गोवा भी आता है, और गोवा में अब सिर्फ एक रागी का प्रोडक्शन होता था। इसके साथ भी मैंने कोशिश की कि अलग अलग जो मिलेट्स होते हैं, जो ICR और केविका से बात करके मैंने वो मंगवा दी, और मैंने पिछले साल से कोशिश कर रहा हूँ उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। पिछले साल थोड़ा सा प्रोडक्शन मुझे मिल गया, लेकिन इस साल मैं और ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहता हूँ। उसका जो प्रोडक्शन का वो तरीका है वो अलग तरीका होता है, जो यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है इसलिए बारिश में नहीं होता है। बारिश जब ख़त्म होती है, जैसा अभी का जो सीज़न है, तो अभी के सीज़न में उसका लगाना शुरू होना चाहिए। वैसे यहाँ मैंने जगह तैयार करके रखी है, अभी उसका प्लांटेशन हो जाएगा, और उसके बाद मिलेट्स की भी खेती यहाँ पर हो जाएगी। मुझे खातरी है, गारंटी है कि वो मैंने वो यहाँ पर तैयार भी की है पिछले साल, इससे मुझे खतरी हो गई है कि यहाँ पर मिलेट्स तैयार हो सकती है। और एक बात है, जो कहा जाता था कि गन्ना यहाँ पर उगाया नहीं जाएगा और इसका जो रिकवरी है वो कम आ जाएगा, तो मेरा कहना है पूरे हमारे देश को कि यहाँ पर भी गन्ना उतना ही अच्छा होता है जैसा महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात में होता है, उतना ही अच्छा, और उसका रिकवरी भी अच्छा होता है। मैंने अभी यहाँ से गन्ना शुरू किया, उसके बाद मैंने सोचा कि ये गन्ने का प्रोसेसिंग करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जैगरी का यूनिट डाल दिया, और मैं यहाँ पर खुद गुड़ बनाता हूँ और गुड़ का पाउडर बनाता हूँ। अलग अलग तरीके में गुड़ बना के मैं उसका जयदत्त नाम से बेच रहा हूँ। और मुझे तब पता चला कि जब वैसे का वैसा धान बेचने के अलावा अगर हम प्रोसेसिंग करके उसका वैल्यू ऐड करके बेच दिया तो मैं उसमें ज़्यादा फायदा होता है। तो मोदी जी का ये जो है ना अपने खेत में अपना इनकम बढ़ाओ, वो इसी से हो जाता है, इनकम बढ़ता है। हर जोखिम से निकलकर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमें यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। बर्नेल सीमा क्षेत्र में घूमने पर विकास की रफ्तार साफ देखी जा सकती है। यहाँ के गांव में सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं। विकास कार्यों को देखकर यहाँ के ग्रामीण बेहद खुश हैं। गांव में विकास और किसानों की बदलती जिंदगी को देखने के मकसद से हम पेड़ने के एक और गांव आ पहुँचे। नाम है पराश्टे। यहाँ हमारी मुलाकात एक और प्रगतिशील किसान शेखर से हुई। शेखर प्राकृतिक खेती में बढ़िया उत्पादन करते हैं, इसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। शेखर बताते हैं कि वे अपने परिवार के साथ नारियल, केला, सुपारी, काजू जैसी खेती करते हैं। उन्हें रासायनिक खादों से भयंकर परहेज है, क्योंकि रासायनिक खाद उनकी खेत की मिट्टी और परिवार के स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। प्राकृतिक खेती और सरकार की योजनाओं से उनकी जिंदगी बदल रही है। नमस्कार राधिका मैडम, मैं शेखर पराश्टेकर है। ये घर का यही गांव का नाम है पराश्टे। मेरा नाम है शेखर। मेरा जो खेती है कुलागर है, नारियल, सुपारी, मिरी, पूरा जो है तो सेंद्रीय। हमें बाहर का कुछ रासायनिक खाद नहीं डालता, गांडूल खाद डालता है, शेन भी डालता है, गोबर गैस है। और हमारे घर में 4 भैंस है। 0% ये है ऑर्गेनिक। तो 2022 साल का ऑर्गेनिक फार्मर का अवार्ड मिला मुझे, और राजभवन का प्राकृतिक खेती का भी एक अवार्ड मिला। इस 2 अवार्ड मिला। पूरा नेचुरल फार्मिंग है। आपके खेतों में क्या क्या है? खेतों में है नारियल है, बनाना होता है, केली ये होता है, मिरी होता है, सुपारी और कोकम आपको मालूम है, कोकम भी होता है, काजू होता है। अच्छा काका एक सवाल है, क्या खेती करके कोई अमीर बन सकता है, आमदनी कमा सकता है? आमदनी बना सकता है, ये नहीं है। खेती करते हैं तो दिमाग जो है तो हेल्दी रहता है। नहीं, खेती में पैसा है अगर मन लगा कर किया जाए तो पैसा है, फायदा है। साल भर में कितना कमा लेते हैं आप? साल भर का 8 लाख से जाता है, 50,000 फायदा तो पूरा रहता है खेती में। और काम करना चाहिए। हर महीने का फायदा बता रहे हैं आप? हर महीने का कम से कम 20,000 से होता है खर्चा निकाल के। 4 आदमी का अलग अलग ये है, बहू का है, गांडूर घर का है, वो अलग का है। तो ये आप अकेले अपना बता रहे हैं? हाँ, मैं अकेला बना रहा हूँ। तो सोचिए अगर एक आदमी का सालाना 8 लाख बन रहा है तो 4 लोगों का कितना बनता होगा। बहुत अच्छी बात बताई कि खेती में पैसा है। चलिए अब किसान यात्रा में आगे बढ़ते हैं और गोवा की कहानी को बुनते हैं, जानते हैं कि गोवा कितना तरक्की कर रहा है, चाहे वो खेतीबाड़ी हो या फिर घर गृहस्थी हो या फिर हमारा जो आम नागरिक है यहाँ पर क्या कुछ कर रहा है। हमने घर की गृहणियों से भी बात की। हमारा फोकस था कि आखिर महिलाओं की जिंदगी में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, किसान महिलाओं की पहुंच में सरकार की योजनाएं हैं या नहीं। जो जवाब मिला उसे जरूर सुनना चाहिए। अच्छा भाई ने ये बताइए कि जो राशन योजना है सरकार की, आपको उसका फायदा मिल रहा है? आपके गाँव को मिल रहा है? सब गाँव को। और जो हर घर जल पहुँचाने की बात है कि टूटी खोलो और रसोई में किचन में पानी आ जाता है, सबको आता है। अच्छा, पक्का मकान हो गया, लेटरिन हो गया, ये भी मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। गांव में फायदा ले रहे हैं, ले रहे हैं। दूसरा बिजली की जो सुविधाएं होती है, बिजली हर घर पहुंची, बिजली पहुंची है? हाँ, पहुंची है। तो सरकार की सारी सुविधाएं आ रही है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण है उज्ज्वला योजना कि हर घर अब लकड़ी, जो हमारी महिलाएं पहले सर पे लाकर चूल्हा जलाती थी, तो हर घर अब गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना आ गई। आप खाना किस पर बनाते हैं? गैस पे। अच्छा, पराश्टे गांव की विकास यात्रा दिखाने के बाद हम पोंडा तालुका के अड़पाई गाँव आ पहुँचे हैं। कोशिश है कि इस युवा की अनूठी चित्रकला को आप तक पहुंचा सके। इसका नाम है सागर नाइक मुले, जो गोवा की चकाचौंध भरी जिंदगी छोड़कर अपनी जवानी बीते कुछ सालों से एक विलुप्त होती कला संस्कृति को बचाने में खपा रहे हैं। दरअसल जब गोवा पुर्तगालियों के अधीन था तो यहीं से उत्पन्न कावी कला इस दौर में भी बेहद प्रसिद्ध थी, जो गोवा की एक पहचान बन गई थी। लेकिन आधुनिकता का तेजी से चोला ओढ़ते हमारे देश की, खासकर गोवा की यह लोक कला विलुप्त होने की कगार पर आ पहुंची। लेकिन बीते 4-5 सालों की मेहनत के बदौलत युवा कलाकार सागर नाइक मुले इस कला को न सिर्फ बचा रहे हैं बल्कि उसमें नई जान फूंक दी है। ये 400-500 साल पुराना आर्ट फॉर्म है, लेकिन ये मर रहा था और गोवा के लोग भी उसको भूल गए थे। जब पोर्तुगीज यहाँ पे आए थे तो ये आर्ट यहाँ से दूसरे स्टेट में भी चला गया। ये बात प्राइम मिनिस्टर जी को जब पता चल गई तो तुरंत 1 साल के बाद मन की बात 100 प्रोग्राम सेलिब्रेट किया गया धूमधाम से दिल्ली में। तो ये बुक का कॉफी टेबल बुक लॉन्च हुआ था, माय डियर फेलो सिटीजन्स। और देश के सिर्फ 100 लोग जो समाज और देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके उसके लिए मुझे चुना गया था गोवा की तरफ से और कावी घाट की तरफ से। तो ये हम सब के लिए, गोवा की मिट्टी के लिए प्राउड वाली बात है कि हम सिर्फ अभी जो लोग सोचते हैं खाओ पियो मजा करो वो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमारा कल्चर भी उतना ही रिच है, स्ट्रॉन्ग है। और बाकी की स्टेट की तरह भी गोवा में भी हमारा अपना कल्चर है। गोवा की कावी कला अब सिर्फ गोवा ही नहीं, देश में विदेश में भी अपनी पहचान छोड़ रही है। गोवा की कावी कला को संरक्षित कर रहे सागर मुले के प्रयास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सलाम किया। अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कला की तारीफ भी की। मेरा जिक्र मन की बात 84 एपिसोड में हुआ और 26 दिसंबर 2021 को इसका जिक्र हो गया और यहाँ से ही गोवा को एक नई पहचान मिल गई। पूरे जगह में लोग बोल रहे हैं कि क्या है ये कावी आर्ट और कौन है ये आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मोदी सर का कि इन्होंने, मतलब मैंने कहीं पर अप्लाई नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, ये उनकी तरफ से मुझे मौका मिला है। गोवा सिर्फ खाने पीने की मजा करने की जगह नहीं है, ताकि हमारा कल्चर के लिए भी है। सागर मुले ने सबसे पहले ललित कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आगे चलकर मूर्ति कला में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। उसके बाद कावी कला के कौशल को निखारना शुरू किया। सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज वे अपनी पहचान बनाने में सफल हो रहे हैं। साथ ही एक विलुप्त होती कला को वो बचा भी रहे हैं। कावी कला की बारीकियों पर बात करते हुए सागर मुले ने और क्या कहा वो भी सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी तक या भारत सरकार तक आपके बारे में, आपका नाम, आपकी कला कैसे पहुंची? कोई इंस्टाग्राम, कोई यूट्यूब, किसी माध्यम से पहुंचाते? गोवा की मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने मुझे पहले जो लाइमलाइट में लाया। मैं बहुत खुशगुजार हूँ दूरदर्शन का कि इन्होंने ये मुझे इतना आगे लेके जाने के लिए साहस किया और मुझे लगता है क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए। और ऐसे ही हमारे भारत के बहुत ही कई हिस्सों से फार्मर्स। नॉर्थ गोवा के गांव में घूमने के बाद हम कह सकते हैं कि गोवा का किसान खुशहाल हो रहा है। विकास की बयार लगातार बह रही है, संपन्नता और खुशहाली बढ़ रही है। सरकार की योजनाएं किसानों की जिंदगी को सरल बना रही हैं। तो आज की किसान यात्रा समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। आज हमने किसानों के गांव, किसानों के घर और धरातल पर जाकर देखा कि किस तरह से सरकारी योजनाएं, सरकार का विकास हमारे अन्नदाताओं तक पहुंच रहा है। यहाँ का अन्नदाता जिस तरह से बताया कि वो प्राकृतिक खेती भी कर रहा है। पूरा घर का मतलब होता है कि एक खेती के साथ वो कई प्रकार की खेती करता है। वो समझ गया है कि प्राकृतिक आपदा में अगर नुकसान हो जाए तो वो दूसरी खेती से भरपाई कर सकता है। तो चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, किसान यात्रा गोवा से समाप्त करते हैं और देखते रहिए आप किसान यात्रा।